वेलकम बैक टू द चैनल अनमे ककराल ब्लॉग्स। तो गाइस, आज का दिन फिर से एक नया दिन, फिर से एक नई शुरुआत एक नए वीडियो के साथ। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर तरफ पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। एक के बाद दूसरी लहर, फिर कभी तीसरी लहर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, पूरी दुनिया में लोग हाहाकार कर रहे हैं। कभी कोई कंट्री बोलती है कि हमने इंजेक्शन बना लिया, वैक्सीन बना लिया, हम सेफ है, फिर थोड़े टाइम बाद उसी कंट्री में फिर से कोरोना फैल जाता है। ये कोरोना जो महामारी है, ये हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है, हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा। इस कोरोना दौर में बहुत सारे लोगों के रोजगार छीने गए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत परेशान थे पूरी दुनिया में, इसलिए देश में नहीं पूरी दुनिया में। ये जो प्रकृति है ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति कहती है कि लाइफ किसी भी चीज की वजह से कभी रुकती नहीं है, कुछ भी हो जाए। बड़ी से बड़ी महामारी आई, बड़ी से बड़ी बीमारियां आई, विश्व युद्ध हुए, सब कुछ हुआ, लाइफ नहीं रुकी, लाइफ चलती रही और चलती रहेगी। हमें अपनी लाइफ में हार नहीं माननी है, रुकना तो है ही नहीं, कुछ भी हो जाए रुकना तो है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो चलते हैं। जो घर पर रह के अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, उनको मंजिल कभी नहीं मिलती। भगवान भी ये कहते हैं कि तेरे हिस्से में जो है वो तू कर, फिर मेरे हिस्से में जो होगा वो मैं करूंगा। मेहनत तुझे ही करनी है, फल मैं दे दूंगा। जो तेरे हिस्से में, तेरी किस्मत में लिख दिया है वो तो होना ही है। हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ बहुत सी घटनाएं होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं जिसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम लोग जान कर भी अनजान बने रहते हैं, देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। कभी भी हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है, कुछ गलत होता है, तो हम हार मान के बैठ जाते हैं। लेकिन उस पूरे दौर में जो हार नहीं मानता, जो वहां से उठ कर आगे बढ़ता है, ऐसे ही लोग इतिहास लिखा करते हैं। जीव जंतु, जानवर, इंसान, सभी लोग, पेड़ पौधे हैं, नदियां नाले हैं, पहाड़ हैं, सब कुछ है। बाउंस बैक कैसे करते हैं लाइफ में, हम आपको आज एक एग्जांपल देंगे। आपने देखा होगा कि जो बाज होता है, ईगल, इतना ऊंचा आसमान में उड़ता है, तो वहां से अपने शिकार को देख लेता है, नीचे आता है, शिकार को लेकर चला जाता है। यही उसका नेचर है, यही उसकी प्रवृत्ति है। बाज जो होता है, उसकी वास्तविक जो उम्र होती है वो करीब 70 साल होती है। आज के दिन में इंसान 60 साल का रह गया है, लेकिन बाज की एज 70 साल होती है। अप टू 70 ईयर्स बाज जिंदा रहते हैं, कई बार उससे ज्यादा भी, से कम थी। आज की लाइफ के जो पहले 40 साल होते हैं वो बड़े अच्छे से और बड़े मजे से गुजरते हैं। बहुत ताकत होती है पंजों में, इसकी चोंच में, इसके पंखों में, बहुत ताकत होती है। गोली की रफ्तार से आता है और अपना शिकार को उठा के ले जाता है। कहते हैं ना कि बाज की रफ्तार से शिकार होता है, तो कहावतें बनी है उस पर। 40 साल के बाद बाज की जिंदगी में बहुत संघर्ष शुरू हो जाते हैं। संघर्ष ऐसे होते हैं कि बाज का जो चोंच होती है ना, जिससे वो शिकार को फाड़ता है, वो चोंच बिल्कुल मिट जाती है आगे तक, मतलब उसको उधार नहीं ले जाता। बाज के जो पंजे होते हैं वो भी पूरी तरह से मुड़ जाते हैं, पकड़ नहीं लगाती।
बाकी जो पंख होते हैं वो उसके चेस्ट के साथ हैवी होने लगते हैं, बढ़ जाते हैं, उसको उड़ने नहीं देते। वो बाज की जिंदगी बहुत भयानक हो जाती है उस टाइम पे। बाज को ये रहता है कि पे क्या करें, कैसे जीवन, उसके लिए हर पल एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। शिकार को मार नहीं सकता उस कंडीशन में। जिस दिन बाज को पूरी तरह से लगता है कि अब मैं बेकार हो गया, जानते हैं वो हार नहीं मानता, वो सुसाइड नहीं करता, हिम्मत नहीं हारता, वो पेड़ पर या पहाड़ पर सबसे ऊंचे चला जाता है। वहां पर जाते उस चोट को पत्थर पे मारता है, जोर से टकराता है, जोर जोर से टकराता है, इतना टकराता है जिसकी चोट छूट गया, खून आने लगता है उसके से, वो मुट्ठी भी हो जाती है, खून भी हो जाती है, किसी शिकार को फाड़ दे। ऐसे ही वो अपने पंजों को भी मारता है जोर से, टूट चुके हैं, नए आएंगे, चोंच भी ऐसे वो तोड़ता है अपनी, चोंच भी वापस आएगी, दोबारा से होती है, दोबारा उठी होगी, नई चोंच आएगी और सीधी आएगी। अपने पंखों को भी वो धीरे धीरे उखाड़ देता है, तो चेस्ट पे उसके हैवी पंख होते हैं उनको भी उखाड़ देता है। जो नए पंख आएंगे वो भी नए, बिल्कुल नए फ्रेश पंख आते हैं। ऐसे कुछ दिन बाद बड़े भयानक दर्द में रहता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। उसको पता है कि आज मैंने अगर हिम्मत हार ली तो कल मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा। हिम्मत नहीं हारता और उसके शरीर की अंतिम दोष ने खत्म कर दिया था, डेवलप हो जाते हैं वापस से। एक बार उस पहाड़ से उस ऊंची चोटी से नीचे उतरता है और अपने शिकार को मार देता है, अगर कोई मौके से ज्यादा अटैक करता है, एक नया जीवन जीता है। इस तरह से वो अगले 20 साल फिर से निकल आता है। ऐसे ही हम इंसानों की लाइफ में कभी मुसीबत आती है, हिम्मत हार जाती है, नहीं हारना चाहिए। आप उस जानवर से देखिए, उस पक्षी से सीखिए, जबकि हमारे आस पास अलग अलग तरह के जीव जंतु, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे सभी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं कि पतझड़ है तो हरियाली भी आएगी, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा। तब आपको आगे बढ़ते रहना है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। और अभी हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। थैंक यू, बाय बाय।